थाना प्रभारी शिकोहाबाद सुनील कुमार तोमर ने एक विभागीय मीटिंग की जिसमें 6 चौकी इंचार्ज शामिल रहे। उन सभी से मुलाकात कर उनके अंतर्गत आई हुई शिकायतें व विवेचना संबंधी समस्याओं को बिना विलंब किए पूर्ण किए जाए। सभी चौकी इंचार्ज को आदेशित किया कि अपने क्षेत्र में अपराधी तत्वों पर कानूनी कार्यवाही व कानून को दुरुस्त बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जो विभागीय मीटिंग हुई है उस सिलसिले में हम उनसे कुछ जानकारी। सर, इस विभागीय मीटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो हम लोग अपने क्षेत्र में थाना क्षेत्र में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो जल्दी वर्कआउट करेंगे और भविष्य में कोई किसी प्रकार का अपराध ना होना पड़े उसके संबंध में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि जिससे हम लोग किसी प्रकार का हमारे क्षेत्र में कोई अपराध ना होने पाए। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि इस थाने के अंदर कितनी चौकियां आती हैं? इस थाने के अंदर टोटल चौकियां हैं 5 और एक 6 हो गए जी। सभी के सब इंस्पेक्टर आए थे, सभी सब इंस्पेक्टरों को टारगेट दिए गए हैं। चेकिंग के बारे में बताया गया है, 600 हम लोग प्रत्येक दिन चेकिंग कराएंगे, रात को 12 से 2 चेकिंग कराएंगे, सुबह 10 से 2 तक बैंक की चेकिंग कराएंगे। उन मेन स्थानों पर चेकिंग कराई जाएगी। उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं जो पहले जेल गए हुए जो अब भी अपराध कर सकते हैं या जिनके अपराध करने की संभावना है उनका भौतिक सत्यापन किया जाना, जितने हिस्ट्री सीटर हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाना है। वास्तविकता में वो कर क्या रहे हैं, हम लोग उनके घर जाकर उनके बारे में पता करके वास्तविकता में वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे या अभी भी अपराधों में लिखते हैं तो उनके अगर अपराधों में लिखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सक्सेस जीरो टॉलरेंस वही है। लास्ट मेरा मेरी क्वेरी है कि ये मीटिंग कब कब होती है, महीने में क्या था? महीने में 3 बार मीटिंग करते हैं, वीकली बेसिस पे मीटिंग करते हैं। पूरे सप्ताह में हम लोग क्या क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों ने क्या किया क्या करना चाहिए उस हिसाब को देखते हुए उन बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे यहाँ छोटी से छोटी घटना पर भी जिससे नजर रख सकें, पूरा इलाके का फीडबैक ले सकें। जो कुछ फीडबैक हमारे पास है उस हमने सभी इंस्पेक्टर साहिबान को बताकर और उस टारगेट को कंप्लायंस कराया जाए। जैसे आज का मेन मुख्य मुद्दा था कि किसी प्रकार की 3 सवारी पर कोई आदमी नहीं चल पाए, आज के बाद 3 सवारी पर कोई आदमी नहीं चलने देगा किसी के कमरे में, किसी तरीके की कोई गुंडागर्दी 600-900 या जो कुछ लफंगे लड़के होते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक टारगेट बना कर रहे हैं और 100% सफलता मिलेगी। And wish you all the best. Thank you. It is a very great meeting with the SHO, Sunil Kumar Tomar, and I hope so. He and his team will do a great job in the further in the future career. Thank you. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।